हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का इग्नू गाइडेंस में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आपको ऐसे पता है कि इग्नू में जो है जुलाई 2020 के लिए फ्रेश एडमिशन शुरू हो गए हैं। जी हाँ, फ्रेश एडमिशन यानी कि एडमिशन जो है जुलाई 2020 के स्टार्ट हो गए हैं। तो चलिए आइए, आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि कब से एडमिशन स्टार्ट हो रहे हैं, लास्ट डेट क्या है, किस किस प्रोग्राम के लिए, ऐसे कौन से प्रोग्राम हैं जिनमें आप एडमिशन ले सकते हैं, साथ में आपको फॉर्म किस तरह से भरना है, थोड़ा सा डिस्कस इस वीडियो में हम करेंगे, क्योंकि इसका वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दे दूंगी इस वीडियो का कि किस तरह से आप फॉर्म जो है फिल कर सकते हैं, किस तरह से भर सकते हैं, तो आप वहां से वॉच कर लीजिएगा किस कहाँ पे जाके आपको जो है एडमिशन लेना है। क्योंकि आप देख रहे हैं मैं यहाँ पे मेन पेज पे हूँ, तो यहाँ पे आपको लिंक नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको कहाँ पे जाना होगा, तो चलिए हम आपको बताते हैं। लेकिन उसके पहले क्या करना है आपको पता है, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, तो फ्रेंड्स इसके लिए आप इग्नू के यहाँ पे मेन पेज पे आएंगे। ओके, मेन पेज पे आने के बाद आप मेन्यू देख रहे हैं यहाँ पे रजिस्टर्ड ऑनलाइन। रजिस्टर्ड ऑनलाइन पे आने के बाद यहाँ पे देखिए फ्रेश एडमिशन आपको दिख रहा है सेकंड नंबर पे। सेकंड नंबर पे फ्रेश एडमिशन पे हम क्लिक करते हैं, और जैसे हम क्लिक करते हैं तो एक न्यू वेबसाइट जो है यहाँ पे, सॉरी न्यू पेज जो है वो ओपन हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए वेलकम टू एडमिशन पोर्टल जुलाई 2020। अब आप यहाँ पे प्रोग्राम देखना चाह रहे हैं, आप रजिस्ट्रेशन करना चाह रहे हैं, क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। लास्ट डेट फॉर एडमिशन 31 जुलाई 2020। 31 जुलाई जो है यहाँ पे लास्ट डेट रखी गई है, जो वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यहाँ पे जैसे देखिए होम और रीजनल सेंटर भी यहाँ पे दिया हुआ, आप लिस्ट देखना चाहते हो तो इसको क्लिक करके देख सकते हैं। एडमिशन के बारे में फिर कुछ क्वेश्चन होते हैं, फ्रिक्वेंसी क्वेश्चन, आज क्वेश्चन, वो भी यहाँ पे बहुत से लोग पूछते हैं, उनके आंसर यहाँ पे रहते हैं। तो आपके मन में कोई डाउट हो तो आप यहाँ पे ओपन करके उसे आप देख सकते हैं। प्रोग्राम इन्फॉर्मेशन जो वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, कि कौन कौन से ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो चल रहे हैं रनिंग टाइम में और जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं, या फिर यूजर गाइड भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो चलिए प्रोग्राम इन्फॉर्मेशन पे देख लेते हैं यहाँ पे क्लिक करके। तो अवेलेबल प्रोग्राम्स, ऐसे कौन से प्रोग्राम है जो अभी यहाँ पे है और आप उनके लिए जो है रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, आप एडमिशन ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो ये यहाँ पे प्रोग्राम्स दिए हुए हैं, ये सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स ऊपर दिए हुए हैं, जैसे ACPDM, ठीक है ना। तो ये जो है सर्टिफिकेट इन पावर डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट का है, 6 मंथ का ये आपका कोर्स होगा, ठीक है ना, ड्यूरेशन जो उसके 6 मंथ है। इसी तरह से ACE जो है ये भी सर्टिफिकेट है, 3 मंथ का है। APVPFV जो ये है, ये भी आपका जो है, तो ये भी सर्टिफिकेट है। यहाँ पे अब यहाँ से आ जाते हैं प्रोग्राम के लिए। देखिए BAG बैचलर ऑफ आर्ट, यदि आप BA करना चाहते हैं तो आपके लिए यहाँ पे ये है, जिसको इन्होंने अब नाम चेंज कर दिया, पहले BAG था, सॉरी BA था, अब उसका नाम चेंज करके उन्होंने BAG कर दिया है, ठीक है ना। तो ये देखिए BAG को क्लिक करेंगे, मैं न्यू विंडो में ओपन कर लेती हूँ, ठीक है। आप रीड मोर के लिए यहाँ पे भी क्लिक कर लीजिए, चलिए यहाँ पे न्यू विंडो में मैं ओपन कर देती हूँ, ठीक है ना। इसी तरह से और भी प्रोग्राम है, जैसे BTS है, बैचलर ऑफ आर्ट हो गया टूरिज्म स्टडीज जो है, तो BTS यहाँ पे बैचलर ऑफ आर्ट टूरिज्म स्टडीज यानी टूरिज्म के लिए कोर्स हो गया, इसके लिए रीड मोर यहाँ पे करके आप पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। BAECH यहाँ पे है, यानी बैचलर ऑफ आर्ट ऑनर्स इकोनॉमिक जिसे बोलते हैं, यानी इकोनॉमिक ऑनर्स कोर्स जिसको कहते हैं, वो यहाँ पे है। बहुत सारे यहाँ पे प्रोग्राम्स हैं, आप देख लीजिए जिसमें आपका इंटरेस्ट है, आप जो करना चाहते हैं उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन रीड मोर में जाके कर लीजिए। क्योंकि बैचलर प्रोग्राम्स हैं तो सभी की, इनकी ड्यूरेशन की यदि हम बात करते हैं तो 3 ईयर के होंगे, ठीक है, बैचलर जितने भी आपके प्रोग्राम है। BCA भी है जो है यहाँ पे, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन भी जो है अभी मुंह से हो रहा है, तो BCA भी यहाँ पे है, 3 ईयर का प्रोग्राम है। ओके, अब यहाँ पे बी लिव आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, तो बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस यहाँ पे है, 1 ईयर का है। इसी तरह से बैचलर ऑफ साइंस जो है 3 ईयर का है, BSCG, ठीक है ना, जैसे BSC होता है तो BSCGM इसका नाम रख दिया। तो बहुत सारे यहाँ पे कोर्स हैं, ठीक है ना। ये देखिए 6 मंथ, ये सभी सर्टिफिकेट वाले प्रोग्राम है, CTE, CPF, CPEL, तो ये इस तरह से आप यहाँ पे इनको देख सकते हैं। ओके, हमने एक खोला था यहाँ पे नीचे मास्टर डिग्री वाले प्रोग्राम है, ठीक है ना, आप यहाँ पे भी देख लीजिए। अब यहाँ से जो है 1 ईयर जो ये चल रहा है, मास्टर डिग्री वाले प्रोग्राम से यहाँ पे आ गए हैं। हमारे फेसबुक पेज इग्नू गाइडेंस फॉर यू को आप फॉलो कर लीजिए, और साथ ही साथ हमारी वेबसाइट इग्नू गाइडेंस को भी आप फॉलो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे दी जाती है आपको इग्नू से रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन।
और यहाँ पे मिलेंगे आपको YouTube के लेक्चर वीडियो। साथ में ही ज्वाइन कर लीजिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप इग्नू गाइडेंस को। इन सभी के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएंगे। थैंक यू। अब हमने एक ओपन किया था BAG का, जैसे ये देखिए BAG बैचलर ऑफ आर्ट का है, तो डिग्री है, ठीक है। मोड क्या होगा? ओपन डिस्टेंस लर्निंग होगा, स्कूल ऑफ सोशल साइंस, और ड्यूरेशन है 3 साल जो है आपको टाइम दिया जाता है, ठीक है ना। और जिसका टाइम होता है 3 साल का है, और ज्यादा भी टाइम होता है आई थिंक 5 ईयर होता है कि 5 या 6 साल के अंदर आप इसको कम्प्लीट कर सकते हैं। और मीडियम जो है हिंदी इंग्लिश दोनों में है, आप जो चाहें वो यूज कर सकते हैं यहाँ पे लैंग्वेज। और फिर इस पे जो स्पेशलाइजेशन है वो BAG यानी कि अब बैचलर ऑफ आर्ट होगा। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी ये देखिए दिया हुआ है, सभी चीजें दी हुई हैं, तो आप यहाँ पे रीड कर लीजिए। एलिजिबिलिटी भी दिया हुआ है, 10+2 यानी 12th पास होना जरूरी है, ठीक है ना। इक्विवेलेंट और BPP फ्रॉम यूनिवर्सिटी आपने किया तब भी आप इसके लिए एलिजिबल है। फीस कितना होगा? तो इन सभी के लिए आपको वही है कि मोर में, रीड मोर में जाना पड़ेगा फीस के लिए। जैसे ही खोलेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आपको आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। हम आपके लिए और भी यूजफुल जो वीडियो लेके आते रहते हैं वो लेके आएंगे। और आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेरी करना चाह रहे हैं, तो आप हमारी वेबसाइट से भी जुड़ सकते हैं, वहां पे भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, इसका लिंक मिल जाएगा। फिर आप हमारे जो है टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाइए, ठीक है ना। सभी के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएंगे। फेसबुक पेज भी बना हुआ है इग्नू गाइडेंस के नाम से, इग्नू गाइडेंस फॉर यू, तो वहाँ पे भी आप ज्वाइन कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए। तो बहुत सारी यहाँ पे हमने आपके लिए प्लेटफॉर्म तैयार किए हैं, बस आपके आने की देरी है। तो लाभ उठाइए, इसका बेनिफिट लीजिए, तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से और हमारी वेबसाइट से, हमारे फेसबुक पेज से जुड़ जाइए। सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे रहेंगे। चलिए, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।